बाबू बताओ, इतना तो बता रहा है तो सबसे ज्यादा खोठवा में कौन भाषा घुसल है वो? सबसे ज्यादा खोठवा में कुडुक भाषा घुसल हो। सबसे खोठा को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। अब नाच के समझो या गा के समझो, उछल के समझो या बैठ को समझो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपको हम समझा के रहेंगे क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जय हिंद। का हाल चाल है हो भाई वालोगिन? बाबू इतना दिन छोड़ दलियो तो लागो तो खोठो भुलाइए गेल होबे हो। बाबू आज ऐसा तोरा बेसिक जानकारी देवल जा रही हो, चाहे तो जे पी एस सी पे तैयारी करे थोबे, चाहे जे एस एस सी के तैयारी करे थोबे, या तो जे टेट के तैयारी करे थोबे, ये पूरा जानकारी तोरा वहाँ फिट बैठत। खोठा तो कितनो पढ़ ले बाबू, अगर तुम तो बेसिक जानकारी नहीं पढ़बे तो पूरा खोठा पढ़ना बेकार हो। जैसे घर बनेले हैं, घर के अगर बुनियादिया अगर ठोस ना रह तो बाबू, अगर बुनियादिया अगर मजबूत ना रह तो हो तो घरा कितनो दूर बना ले, घरा एक दिन ढह जीतो, एक दिन बर्बाद हो जीतो। वह रकम बाबू खोठो है हो, तनी बेसिक जानकारी मजबूत कर ले, ओकर बाद पूरा जानकारी तो विद्वाने बन जो, तोरा कोई न रोको पारतो, तोरा कोई न ठटो पारतो, तोर मुकाबला में कोई खड़ो न रहो पारतो। जानकारी के लिए तनी बता दियो बाबू कि जेपीएससी के क्लास अब हम तनी तोहनी सामने लेकर के अब और खखोर खखोर के पढ़ेबो बाबू, रिसर्च करके पढ़ेबो। सिलेबसवा तो तोरे एग्जामा से पहले तो हम खत्म करिए दबो ही बाबू, लेकिन थोड़ा हम धीरे चलो ही हो, काहे रिसर्च करे के टाइम मिल जाओ, तनी खखोर खखोर पढ़ियो तोरा, तनी तो पढ़ के संतुष्ट भी हो पा रहे बाबू। पहले बेसिक जानकारी तो प्राप्त कर ली, खोठा भाषा की सामान्य जानकारी आपको पहले प्राप्त करनी होगी, चाहे आप झारखंड में कंडक्ट करवाए जाने वाले कोई भी एग्जाम के की तैयारी कर रहे हो, जिसमें खोठा पेपर लेने की सोच रहे हैं, या तो आप खोठा पेपर लिए हैं, अगर ये जानकारी आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद आपका बेसिक मजबूत हो पाएगा। और बाबू तोर बेसिक मजबूत हो जीता है तब तोर मुकाबला में के खड़ा होते हो। अगर हम कोई भाषा के बारे में अध्ययन अगर पहले करते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि बताओ भाई वाह, कोई पूछता हो सामने वाला आदमिया हो कि बाबू बताओ खोठा भाषा पढ़ो रहे, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, तो आपको फीलिंग के साथ में बोलना है कि भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने भावनाओं को सामने वाले के सामने प्रकट करते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। अब तोर एज के हिसाब से अगर तुम समझावे चाहबे सामने वाला आदमी के, तब तो कहो कि बाबू भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने फीलिंग का आदान प्रदान करते हैं। तो जौन एज में है बाबू, फीलिंग के तो तनी बढ़िया से बुझे थो बे। हम लोग क्या करते हैं, सामने अगर कोई खड़ा हो या खड़ी हो तो भाषा के माध्यम से ही तो हम लोग आपके दिल में क्या है, उसके प्रति आपके दिल में क्या फीलिंग है, तो भाषा के माध्यम से ही तो उस फीलिंग का आदान प्रदान करते हैं, इसी को हम लोग भाषा कहते हैं। ना भूले में अब तो ई तरी अगर तो पढ़ में तो ना भूले में ऐजे वह है कुछ बोलबो घुरा के तो वह चल जीवे। बाबू दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो बैल हो, गधा हो, गाय हो, कुकुर हो, शेर हो, बिलार हो, चिराय हो, कुछ भी हो, दुनिया की जितनी भी प्राणी हैं सबकी अपनी भाषा है। वो अलग बात है कि उसकी भाषा को हम समझ नहीं पाते हैं, और हम आदमी की अपनी अलग भाषा है। अगर आदमी की भाषा का विकास इतना नहीं होता तो हमारे संस्कृति का विकास नहीं हो पाता, हमारे सभ्यता का इतना विकास नहीं हो पाता। और अगर हमारे संस्कृति और अगर हमारे सभ्यता का विकास नहीं हो पाता तो आज भी हम लोग आपस में लड़ते रहते। पहले क्या होता था कि बाप बेटा से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, बाप बेटा का खाना छीन रहा है, बेटा बाप का खाना छीन रहा है,
ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे भाषा का विकास इतना नहीं हुआ था, और भाषा का विकास अगर नहीं हुआ था तो सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, सभ्यता का विकास नहीं हुआ, संस्कृति का विकास नहीं हुआ था। मतलब ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाबू, समानुपाती है सभ्यता और संस्कृति का। अगर भाषा का विकास होता है तभी किसी क्षेत्र की सभ्यता का विकास होता है, फिर संस्कृति का विकास होता है। तो आप इस बात को पहले आप समझेंगे कि हम लोग आज आदमी का भाषा आप समझ पा रहे हैं, सभ्यता को समझ पा रहे हैं, संस्कृति को समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाषा का विकास आज बहुत हो चुका है। अगर भाषा का विकास नहीं हो पाता तो शायद हम लोग भी आज आपस में लड़ते रहते। तो भाषा किसे कहते हैं? मानव का जो सबसे पहले विकास हुआ वो अफ्रीका महाद्वीप में हुआ। हड़बड़ाना नहीं हो, खाली सुनना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। सबसे पहले मानव का विकास अफ्रीका में हुआ, और फिर ऐसा भाषा शास्त्रों का मानना है कि जहां भी आदमी का सबसे पहले विकास हुआ होगा, और आदमी अगर सबसे पहले बोला होगा तो वो आ को बोला होगा, या अक्षर को बोला होगा, या को बोला होगा, जैसे आम लिखते हैं ना, तो ये आ को बोला होगा। ऐसा बाबू हम नहीं, ऐसा भाषा शास्त्रों का कहना है कि सबसे पहले जहां भी आदमी का विकास हुआ होगा, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में आदमी का विकास हुआ। भाषा शास्त्रों का कहना है कि जहां भी आदमी का विकास हुआ होगा, आदमी अगर सबसे पहले कोई अक्षर बोला होगा तो वो आ बोला होगा। क्या बोला होगा? वो या बोला होगा। शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। ईटा ईटा जोड़ने से दीवार बनता है, ठीक उसी प्रकार से अक्षर अक्षर जोड़ने से शब्द बनता है, और शब्द शब्द जोड़ने से वाक्य बनता है। तो शब्द किसे कहते हैं? अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? बेसिक जानकारी है। लिपि किसे कहते? बाबू सीधा बताना है आपको कि लिपि कुछ नहीं है, प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो लिपि एक छाप है। क्या है? लिपि एक छाप है। आप इसे कैसे साबित करेंगे कि लिपि एक छाप है? बाबू जैसे हम लिख रहे हैं रोहन, तो ये क्या है? ये देवनागरी लिपि में है। और इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे रोहन लिखते हैं तो ये क्या है? रोमन लिपि में है। अगर रोमन लिपि में हम लोग लिखते हैं तो इसका छाप इस प्रकार से होता है। दोनों एक ही चीज है लेकिन अलग अलग लिपि में लिखते हैं तो इसका अलग अलग छाप बनता है। शायद हम इसे उर्दू में लिखें तो पता नहीं ऐसे ऐसे क्या लिखाएगा। तो ये क्या है? लिपि क्या है? लिपि एक छाप है। अगर आप अलग अलग लिपि में कुछ लिखते हैं तो वो अलग अलग छाप बनेगा। जैसे रोहन को हम लोग देवनागरी में लिखे तो ये छाप बना, अगर रोहन को हम लोग रोमन में लिखे तो ये छाप बना, उर्दू में लिखे तो ये छाप बना। तो लिपि क्या है? लिपि एक छाप है। उस छाप को अगर हम लोग समझते हैं तो हम उस भाषा को समझ पाते हैं। अब तोरो मन में यह प्रश्न आवे होते बाबू कि खोरठा के कोनो लिपि है कि? तो बाबू खोरठा के कोनो लिपि ना है। खोरठा के लिपि नागेश्वर महतो जी बनेल थीन। तो नागेश्वर महतो जी के शब्द बादल थे कि हे चचा तनी रुक जो, तनी रुक जो, खोरठा के अपन लिपि अभी मत बनाओ चचा। खोरठा जी हो अभी बच्चा हो, खोरठा भी अपन शैशव काल में हो, अभी खोरठा भाषा जन्म ले हो, ऐसन कर ककरो ककरो अभी साथे एकरा चलाओ। जैसे बाबू अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो ये हचाक से चलना स्टार्ट नहीं कर देता है। आजकल पहले लकड़ी का एक ऐसे बना दिया जाता था, बच्चा इसको पकड़ करके चलता था। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाता था कि बच्चा अपने आप चलना स्टार्ट कर देता था। तो इसका सहारा पहले कौन बनता था? तो ये खिलौना बनता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ नागेश्वर महतो जी को समझा दिया गया कि जिस प्रकार से एक बच्चा को चलने के लिए एक लकड़ी का खिलौना का जरूरत पड़ता है, धीरे धीरे वो बच्चा कुछ समय के बाद अपने चलना लगता है क्योंकि उसे सहारा मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से हो नागेश्वर चाचा, खोठा के अभी अपन लिपि मत बनाओ, अकरा पहले खड़ा होवेल दे।
धीरे धीरे एकरा चले दे, एकर सहारा ले, एकरा चले चलबे खातिर सहारा ले देवनागरी लिपि के, तो देवनागरी लिपि के सहारा ले तो धीरे धीरे कोठवा कर भरोसे चलो लाटो, और जब चले ले बढ़िया से जान लतो तब अकर लिपि तो बना दो, ओकर बाद जब चले ला स्टार्ट करतो तब एकर लिपि बने हो, तो ये लिपि भी विकास होत, लिपियों के विकास होत। नागेश्वरो चाचा काल के ठीके कोहे बाबू, पहले ककरो ककरो सपोर्ट जरूर लवे पड़त। बाबू जो खोरठा की उत्पत्ति हुई है वो मगही से हुई है, और मगही की उत्पत्ति जो हुई है वो मगधी से हुई है। कोई पूछता है गलत वे में आपको नहीं लेना है, गलत वे में तो एकरा ना लेबे बाबू, खोरठा के बाप को मगही और मगही के बाप को मगधी, अगर मगधी से रिलेशन बैठेबे तो खोरठा के दाता हको मगधी, मगधी से मगही निकला और मगही से खोरठा निकला। हमारे राज्य को 5 परमंडल में बांटा गया है बाबू, पलामू परमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल, संथाल परगना परमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर परमंडल और कुल्हान परमंडल। 5 परमंडल में बाबू, 3 परमंडल में खाली खोरठे बोलल जाहो, 24 जिला में 16 जिला में खाली खोरठे बोलल जाहो। यहाँ देख हम बता दिलैय कि पलामू परमंडल में बाबू खोरठे बोलल जाहो, उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल में खोरठे बोलल जाहो, संथाल परगना परमंडल में खोरठे बोलल जाओ। तो कमेंट सेक्शन में बताना हो बाबू कि पलामू परमंडल के मुख्यालय कहाँ हो, उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय कहाँ हो, संथाल परगना परमंडल के मुख्यालय कहाँ हो, कमेंट सेक्शन में बताना हो। 3 परमंडल में खोरठा बोलल जाए बाबू। झारखंड के कुल क्षेत्रफल, झारखंड का जितना भी क्षेत्रफल है वो कुल क्षेत्रफल का 61.16% पे खोरठा बोला जाता है, और झारखंड की जितनी भी आबादी है बाबू 3,29,88,134, और इसका जो क्षेत्रफल है 79,714 वर्ग किलोमीटर के 61% पे सिर्फ खोरठा बोला जाता है। और आबादी की बात करें तो 3,29,88,134 का 41% अगर निकालते हैं तो उतने लोग खोरठा भाषा का उपयोग करते हैं, और 16 जिला में ये खोरठा बोला जाता है। खोरठा की अपनी जो लिपि है वो खरोष्ठी है, खोरठा की जो अपनी लिपि है वो खरोष्ठी है, लेकिन अभी हम लोग देवनागरी के माध्यम से घींच रहे हैं, देवनागरी के माध्यम से घींच रहे हैं। जैसे बाबू संथाली का अपनी जो लिपि है वो ओलची की है, कुरमाली की अपनी लिपि कुरमाली चीस है, ठीक उसी प्रकार से खोरठा की अपनी लिपि खरोष्ठी होगी, लेकिन अभी हम इसको घींच रहे हैं क्योंकि इसमें अभी बचपना है, अभी ये शैशव काल में है। खोरठा भाषा अगर तो पढ़े बाबू तो खोरठा भाषा में खाड़ियो भाषा मिलाल हो, हो भाषा भी मिलाल हो, कुरमाली भाषा भी मिलाल हो, और कुड़ुक भाषा मिलाल हो, सब तो मैसाल गौसाल हो, सब तो मिलल हो, खोरठवा में के नहीं घुसल हो भाषा के भी घुसा दिले थू, कुड़ुक भाषा के भी घुसा दिले थू, कुरमलियों के घुसा दिले थू, और खड़िया भाषा के भी घुसा दिले थू। अगर मैं पूछते हैं हो बाबू बताओ यतना तो बता रहा है तो सबसे ज्यादा खोरठवा में कौन भाषा घुसल है, वो सबसे ज्यादा खोरठवा में कुड़ुक भाषा घुसल, सबसे ज्यादा खोरठा में कुड़ुक भाषा का प्रयोग किया जाता है। और कुड़ुक भाषा क्या है बाबू, तो कुड़ुक भाषा जनजातीय भाषा है, मैंने खोरठवा में जनजातीय भाषा भी घुसल हो, सदानी भाषा तो है ये हो खोरठवा, सदानी तो घुसले हो कुरमाली, और यहाँ जनजातीय भाषा भी घुसल हो, मैंने खोरठवा सबके मिला करके चलो है कि हो भाई बहन जनजातीय बोले तो हन्योग बस हम कहीं छोड़बे हो, हमनी सदानी है ये ही है, चल तोरो साथ है ना ले चलो यो बाबू, खोरठा को समझाना मेरी जिम्मेदारी है। अब नाच के समझो या गा के समझो, उछल के समझो या बैठ को समझो, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है और आपको हम समझा के रहेंगे क्योंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो समझ गए खोरठा सबको लेकर के चल रहा है, और सबसे ज्यादा अगर पूछते कहे हो अगर से ज्यादा प्यार के करल कह मैंने अगर अंदर के ज्यादा घुसल है कुड़ुक भाषा, ठीक है बाबू। भाषा परिवार,
जैसे तुम तोरो संबंध कोनो ने कोनो परिवार से हो तो मंगना परिवार मंगना घर के परिवार से हो बे चाहे तो यादव घर के परिवार से हो बे। जिस प्रकार से बाबू आपका कोई परिवार है आपके दादा परदादा के नाम से गांव वाले लोग आपके घर को संबोधित करते होंगे, आपके घर के लोगों को जानते होंगे कि वो मंगना घर के परिवार के आदमी ला गए या तो वो आदो परिवार के आदमी ला गए। ठीक उसी प्रकार से भाषा की भी अपनी परिवार होती है, सारा चीज अपने से रिलेट करेंगे ना तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। जिस प्रकार से आपकी परिवार है, आपके परिवार में आपके परदादा थे, आपके परदादा से फिर कितने शाखाएं बटी, आपके पापा हुए, आपके दादा हुए, आपके चाचा हुए, तो आपके परदादा से फिर कितना बाबू डाली के जैसा उस पेड़ से टहनी निकला, उस पेड़ से टहनी निकला। ठीक उसी प्रकार से भाषा के भी अपने परिवार होते हैं। पूरे भारत में चार भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, लेकिन झारखंड में सिर्फ तीन भाषा का उपयोग, तीन भाषा परिवार का उपयोग किया जाता है। ऐसे पूरे विश्व में देखा जाए तो 18 से 19 भाषा परिवार है, एक निश्चित आंकड़ा है वही हम बता रहे हैं, बाकी छोटे मोटे और भी हैं। 18 से 19 भाषा परिवार पूरे विश्व में है, पूरे भारत में चार भाषा परिवार है, झारखंड में तीन भाषा परिवार है। तीन भाषा परिवार में पहला जो है वो ऑस्ट्रिक, जिसे हम लोग एशियाटिक भाषा परिवार कहते हैं, दूसरा है द्राविड़ भाषा परिवार, तीसरा है भारोपीय या तो आर्य भाषा परिवार। ये भारोपीय या तो आर्य भाषा परिवार क्यों इसका नाम पड़ा हम अभी बताते हैं, क्योंकि आप खोटा पढ़ रहे हैं और खोटा जिस परिवार के अंतर्गत आता है उसके बारे में तो हम बताएंगे। जिस प्रकार से आप लोग पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये आपका पूरब है, ये आपका उत्तर है, आप इस कोना को क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा इसका ले लेते हैं और इसका थोड़ा सा ले लेते हैं और ये कोनों को कहते हैं पूर्वोत्तर। क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर। पूर्व का दिशा भी पड़ रहा है, उत्तर का भी दिशा पड़ रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से बाबू यहाँ भारोपीय भाषा परिवार का विस्तार जो है वो भारत में भी है और यूरोप में है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा नाम लेना पड़ेगा। तो जब दोनों का नाम लिए हम लोग, जिस प्रकार से यहाँ दोनों दिशा का नाम लिए हैं तो पूरब प्लस उत्तर का पूर्वोत्तर कह दिए, तो ठीक इस प्रकार से यहाँ भारत प्लस यूरोप का अगर हम लोग शॉर्ट नाम दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा? भारोपीय। भारत प्लस यूरोप का शॉर्ट नाम भारोपीय, और दोनों जगह का ये भाषा है तो इसलिए इसका हम नाम दे देंगे भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आपका आता है खोटा, कुरमाली, पंच परगनिया और नागपुरिया। ये चार सदानी भाषा हैं जो आपके राज्य में इसे द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिला है, द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी मिला है। थोड़ा जानकारी आप लोग लिख ले, लिखो लिख साथ सुन लिख ले जी हो, समझ ले तो घर एक आदमी ही हो, जे बोलो ये तनी सुन ले, या तो इतना दिन बेरोजगार रह लें और वो दिन बेरोजगारे रह गए, तनी कोई हुनर सीख ले, हुनर ना सीख में तो कोने रोजगार प्राप्त कर लेना। घर वालन बड़ी लती है तू, बड़ी घर वालन के कर्जा खेले हैं, बड़ी मार मार तू तोरा घर वाले, लास्ट में लतिया के दिल्ली बम्बे भेजा दे तू, कहाँ से दत्ता खिसरते रहे हो बाबू। आष्टिक भाषा परिवार के अंतर्गत आपके ये चार भाषा आते हैं, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया और द्राविड़ के अंतर्गत कुडुक और मालतो। कहीं कहीं मालटो दिखेगा लेकिन वास्तविक में ये मालतो है। जनजाति भाषा के अंतर्गत 6 भाषा, सदानी भाषा के अंतर्गत 4 भाषा, टोटल 6 प्लस 4 हो गया 10 भाषा, और एक बाबू उर्दू भी बोला जाता है झारखंड में, तो टोटल 11 भाषा हमारे झारखंड में बोले जाते हैं, 11 भाषा झारखंड में बोले जाते हैं। आए हो भैया कखनो पूछ देता कि बताओ कि झारखंड अधिविद परिषद द्वारा जारी क्रमांक भाषा के सूची में खोठवा के कौन सा स्थान हो, तो खोठा के 17वां स्थान हो। पूछते बाबू बता तो तनी राउंड फिगर में बता दे हो, तो कहले कि खोठा जे हो झारखंड में 3 प्रमंडल में बोलल जाओ, परामू पलामू प्रमंडल में,
उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में संथाल परगना प्रमंडल में तनी बताओ, तनी बोलने 16 जिलों में बोलल जाओ, तनी राउंड फिगर में बता दे कि कते आदमी बोलो थी तो 2.25 करोड़ आदमी, 3,28,18,134 तो आदमी हाँ हमारे 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में ओकरा में 2.25 करोड़ खोठवे लेन बोलो थू। और अगर वर्ग मिल में बात करें तो 31,000 वर्ग मिल में लोग खोरठा बोलते हैं, ये हम नहीं कहते हैं बाबू, ये हजारीबाग के एक प्रोफेसर शिवदयाल सिंह शिवदीप कहते हैं, ये हम नहीं कहते हैं, मिल वाला बात हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हजारीबाग के एक प्रोफेसर हैं शिवदयाल सिंह शिवदीप। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार खोठा भाषा का विस्तार 31,000 वर्ग किलोमीटर पे है। एक और जानकारी, धीरे 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 धीरे, भारतीय भाषा सबसे अधिक झारखंड में बोला जाता है, उसके बाद द्राविड़ भाषा परिवार का प्रयोग, द्राविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत बाबू कुड़ुक आता है, माल्टो आता है, जैसे बाबू कहालियन कि मंगना परिवार के अंतर्गत तो हों आवे थो मैं कितना तो तोर तोर दादाजी तो तोर पापा जी तो हो मैं तोर परि तोर बेटा बेटी हो तो ये मान लिए कि मंगना तो मंगना के परिवार के अंतर्गत तोरी परिवार के अंतर्गत इतना इतना बाबू है ले, ठीक वह प्रकार से द्राविड़ भाषा परिवार एक परिवार है ओकर अंतर्गत एकर नाती पोता थी। आष्टिक भाषा परिवार एक परिवार है ओकर अंतर्गत ये नाती पोता थी, जैसे मुंडारी संथाली हो खड़िया, ठीक वह प्रकार से भारोपीय या तो आर्य भाषा एक भाषा परिवार के एकर अंतर्गत नाती पोता खोठा कुरमाली पंच परगनिया और नगपुरिया थी। बाबू भारोपीय भाषा भी तो कई भाषा में टूटल है, भारतीय भाषा के तो कई बेटा होती तो ये टूटल है, पहला अलौकिक में, फिर संस्कृत में, फिर लौकिक में, फिर पाली में, फिर पाली टूटले प्राकृत में, प्राकृत टूटले अपभ्रंश में। और ऐसा माना जाता है कि खोरठा जो है वो अपभ्रंश का मूल आधार है और सबसे नज़दीक जो है खोरठा वो प्राकृतिक प्राकृत का नज़दीक है। अपभ्रंश का तो ये मूल आधार है और अपभ्रंश के आगे कौन है, प्राकृत है, तो प्राकृत जो है वो खोरठा का नज़दीकी है, खोरठा का नज़दीकी कौन है, प्राकृत है। शायद आपको समझ ना आए लेकिन यही बात है, भारतीय के को कई भागों में अगर हम लोग तोड़ते हैं, एक इतना बड़ा परिवार के अंतर्गत ये सारे भी परिवार आते हैं और ये परिवार के अंतर्गत आपका अपभ्रंश के अंतर्गत खोठा आता है। अब आपको यह समझना जरूरी होगा कि खोठा 5 प्रकार के होते हैं, मूलतः खोठा 5 प्रकार के होते हैं, कहां से कौन ऐसे क्षेत्र में खोठा, कहां तक कौन खोठा बोला जाता है, जैसे आप परनदिया खोठा की बात करते होंगे या तो गोलवारी खोठा की बात करते होंगे, देसावली खोठा की बात करते होंगे, तो ये कौन ऐसे खोठा हैं, कौन कौन ऐसे क्षेत्र में बोलल जाए बाबू, तनी आंकड़ा तो ही ध्यान से देख ले, मैं चला एक आंकड़ा तो इनके पास हम और लेके आओ ये हो बाबू, या बाबू अब तो ही देख कि खोठा के कितना प्रकार है हो, तो ही देखे थे मैं बाबू सिखरिया खोठा, गोलवारी खोठा, परनदिया खोठा, संथाल परगनिया खोठा और देसावली खोठा, कौन खोठा में कौन भाषा के प्रभाव पावल जा है, कौन खोठा कहां से कहां तक बोलल जा है, यहां तो इनके पूरा मैप के माध्यम से देखे ले मिलते हो बाबू। देख यहाँ इस झारखंड के मैप को, उत्तर में बिहार, पश्चिम में पश्चिम बंगाल, उत्तर में आपका दक्षिण में उड़ीसा, आपका ये साइड आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ और यहां आपका पड़ता है यूपी। इधर का जो आपका भाषा जो भी खोठा बोला जाता होगा बाबू उसमें भोजपुरी का प्रभाव रहेगा, क्योंकि गढ़वा के जस्ट बगल आपका भोजपुरी बोला जाता है, तक का तो इनके की लागू हो, भोजपुरी वा दमिया यहाँ मार्केटिंग करें ना होते होते की, या तो यहाँ जे गढ़वा में रहो हो वो यहाँ यूपी ना जीते कि, अरे सटल है तो बाबू आना जाना लगा रहता है रिश्ता के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से या कोनो काम धाम के माध्यम से, अब आना जाना लगा हुआ है, अब आदमी जब आ जा रहा है
तो भाषा का भी आदान प्रदान होगा। यहाँ जब खोरठा कोई भी बोला जाता है तो इसमें भोजपुरी का प्रभाव रहेगा, और यहाँ कोई भी भोजपुरी वाले लोग रहेंगे उसके भाषा में थोड़ा खोरठा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि आना जाना लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई यहाँ है, चाहे वो कोडरमा हो, चतरा हो, ये सारे लोग तो खोरठा बोलते ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा इस खोरठा में मगही का प्रभाव रहेगा, या तो यहाँ मगही वाले लोग हैं तो इस ये वाले लोग तनि खोरठा का प्रभाव इन लोग की भाषा में आइए जाएगा। अब चाहे संथाल प्रगना, देवघर, दुमका, गुड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा वाले लोग हो, उस वो सारे लोगों के भाषा में थोड़ा बंगला, अंगिका और मैथिली का प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ बांग्लादेश जस्ट 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और 33 किलोमीटर की दूरी पर आदमी मार्केटिंग उर्केटिंग करे जेबे करो है, यहाँ वाला आदमी यहाँ वो हो, यहाँ वाला आदमी यहाँ वो हो, तो भाषा का आदान प्रदान तो होगा। तो कुल मिलाकर के संथाल परगनिया क्षेत्र में बंगला, अंगिका और मैथिली का प्रभाव रहेगा। आपका बोकारो है या तो आपका धनबाद दख में ओकरा में बंगला भाषा ज़्यादा बोलो थी, बंगलियों ने बड़ी बस गल थी बाबू, और भाषा का आदान प्रदान होता रहता है। और झारखंडी भी लोग हैं वो कुछ कुछ बंगला वहाँ बोल लेंगे। कौन वाले लोग? जो आपके बोकारो और धनबाद में है, क्योंकि यहाँ बंगला का प्रभाव आएगा, क्योंकि बंगाली लोग धनबाद आते जाते रहेगा। तो यही बात है कि देख पा रहे होंगे कि कौन ऐसे क्षेत्र में कौन ऐसे भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। बाबू खोरठा भाषा के 5 प्रकार तो देख, अलग अलग लोग तोरा अलग अलग बते, तो ज्यादा तोरा घबराए के जरूरत ना हो, और 17 दुआरी तोरा देखे के जरूरत ना हो। खोरठा के 5 प्रकार, पहला हो सिखरिया खोरठा, दूसरा हो गोलवारी खोरठा, तीसरा हो प्रणदिया खोरठा, चौथा हो देसावली खोरठा। देसावली खोरठा को हम लोग खरवारी खोरठा भी कहते हैं, क्योंकि खरवार जो है खरवार शासक यहाँ, खरवार जनजाति यहाँ अधिक रहते हैं, और उसी के प्रभाव से देसावली खोरठा को खरवारी खोरठा भी कहा जाता है। संथाल परगनिया खोरठा, संथाल परगनिया खोरठा, ये 5 प्रकार है खोरठा के। सिखरिया खोरठा पूछते बाबू कहाँ से कहाँ तक पाल जाए हो, तो जैना मोड़ रामगढ़ के यहाँ बाबू ऊपर देखिएगा जैना मोड़ है, जैना मोड़ से ये अंतिम दूरी तक पूरा साइट के जब पश्चिम बंगाल ना आ जाओ वहाँ तक आपका सिखरिया खोरठा बोला जाता है। और सिखरिया खोरठा में उर्दूला काल अधिक होता है, जैसे हम लोग वकील बोलते हैं, जैसे हम लोग वकील बोलते हैं, तो ये सारे क्षेत्र वाले लोग उर्दूला काल लगा करके बोलेंगे इसको, वकील को वकील बोलेंगे, ओ की मात्रा लगा करके बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से गोलवारी खोरठा, रामगढ़ से गोला तक, रामगढ़ से गोला तक जो है वो गोलवारी खोरठा बोला जाता है, और रामगढ़ से गोला तक की दूरी जो है वो 35 किलोमीटर की दूरी है। गोलवारी खोरठा और सिखरिया खोरठा में ज्यादा अंतर नहीं है बाबू, ये दोनों भाषा में थोड़ा सा बंगला का प्रभाव आ जाता है, उर्दूला कार आ जाता है, क्योंकि क्षेत्र भी सेम ही है। तो कोई पूछते बाबू कि सिखरिया खोरठा कहाँ से कहाँ तक बोलल जाए हो, अगर मैं कौन भाषा के प्रभाव है, तो बंगला भाषा के प्रभाव है। गोलवारी खोरठा कहाँ से कहाँ तक बोलल जाए बाबू बताओ हो, गोलवारी खोरठा सिखरिया खोरठा में अंतर है ना बाबू? ज़्यादा अंतर ना है, कोई पूछते अंतर है तो कहो ना हो, ज़्यादा अंतर ना है, लेकिन थोड़ा बहुत जरूर अंतर है। परनदिया खोरठा, परनदिया खोरठा ये आप देख रहे हैं दामोदर नदी, इसके नीचे है आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा झारखंड के बीचों बीच बाबू रांची के ओर मांझी से गुजरती है, रांची के ओर मांझी से कर्क रेखा गुजरती है, उसके उत्तर साइड 8-10 किलोमीटर कुरमाली भाषा बोला जाता है। उसके बाद दामोदर नदी जहाँ से प्रवाहित होती है उसके जस्ट ऊपर परनदिया खोरठा बोला जाता है, सीधे परनदिया खोरठा बोला जाता है। इधर अलग भाषा बोला जाता है, इधर अलग खोरठा बोला जाता है, इधर अलग खोरठा, इधर अलग खोरठा, और पूरे बीच में परनदिया खोरठा। बीच में कौन कौन जिला आता है? तो हजारीबाग, चतरा, आपका कोडरमा, ये सारे गिरिडीह, परनदिया खोरठा बोला जाता है। इसी को हम लोग हजारीबगिया खोरठा भी बोलते हैं, लेकिन आपको हजारीबगिया नहीं बोलना है, क्योंकि हजारीबाग बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए उसी के नाम पे उस खोरठा का नाम हजारीबगिया रख दिया गया, लेकिन आपको बोलना है सारे क्षेत्र को लेकर के परनदिया खोरठा। क्या बोलना है? परनदिया खोरठा दामोदर नदी से झारखंड के उत्तरी सीमा तक परनदिया खोरठा बोला जाता है, मतलब यहाँ से सीधा घिंच दे परनदिया खोरठा बोला जाता है। परनदिया खोरठा 30 या 35 किलोमीटर दूरी पे चेंज होते रहता है,
चेंज होते रहता है, करें मतलब थोड़ा सा टोन अलग अलग हो जाता है। जैसे आप कोडरमा में रहेंगे थोड़ा अलग टोन आपको देखने को मिलेगा, गिरिडीह में थोड़ा सा टोन इसका अलग हो जाएगा, लेकिन खोरठा जो है वो परनदीय खोरठा है। परनदिया खोरठा में थोड़ा मगही का प्रभाव रहता है। हम आपको बताएं कि यहाँ कोडरमा है, ऊपर नवादा है, मगही नवादा में बोला जाता है, लोग आते जाते रहता है, तो मगही का प्रभाव आपको कोडरमो में दिखेगा, अरी खोरठा का प्रभाव आपको नवादो में दिखेगा। जितना ये सटल है बाबू, थोड़ा सा इसका प्रभाव तो दिखिए न जीते हो बाबू। देसावली खोरठा को खरवारी खोरठा भी बोलते हैं। ये रामगढ़ से गढ़वा, रामगढ़ से हचाक से गढ़वा तक जो है वो देसाली या खरवारी खोरठा बोला जाता है। कहाँ से? रामगढ़ से गढ़वा, गढ़वा पश्चिमी सीमा तक, मतलब यहाँ तक। इस भाषा में बाबू भोजपुरी का भी प्रभाव है, मगही का प्रभाव है। मगही जो है वो हिंदी के नज़दीक है, इसलिए मगही आपको हिंदी के जैसा ही लगेगा। एक है संथाल परगनिया खोठा। संथाल परगनिया खोठा बाबू देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जापदाड़ा जो वो छः जिला है वहाँ, हालांकि संथाली भी कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपका खोठा भी बोला जाता है। ऐसे मान करके चलिए संथाल परगनिया खोठा पूरे संथाल परगना बोला जाता है, और ये संथाल परगना में बोले जाने वाले खोठा जो है बंगला मैथिली अंगिका का प्रभाव है। खोरठा भाषा में बाबू कुछ उर्दू शब्द भी हैं और कुछ आपके संस्कृत शब्द भी हैं। जैसे उर्दू का बात करें तो पानी क्या है? पानी तो एक उर्दू शब्द है। अगर हिंदी में बात करें तो पानी को जल कहा जाता है ना। संस्कृत में देखें तो मौध कौन शब्द के, मौध तो संस्कृत भाषा के। तो यह है के बाबू तोर खोरठा भाषा के सामान्य परिचय हो। उम्मीद है बाबू तो ये चीजवा के समझ ले होबे हो। अगर कोई भी दिक्कत हो है बाबू, किसी तरह के परेशानी है वो है बाबू तोरा समझे में, तो 9771080302 पे कॉल करबे बाबू। चाहे कोई होबे तो हमरा कॉल करो, किसी प्रकार के दिक्कत होता है संपर्क करो हो बाबू, तोरा हम जरूर मदद करबे। कोनो चीज अगर दिक्कत हो जीते समझे में तो हम ही न हो, ठीक है हो छुआ लोगिन बाबू, मिलो ही है बाद में हो कोनो दूसर वीडियो के साथ। तब तक रखे हाँ अपन ध्यान।